हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको आयरन मैन 3 मूवी को एक्सप्लेन करूंगी। इस मूवी की शुरुआत में टोनी अपने गुजरे हुए वक्त को याद करता है, जहां बर्न स्विट्जरलैंड में 1999 में न्यू ईयर ईव की एक पार्टी हो रही होती है, जहां टोनी माया हैंसन से मिलता है। माया हैंसन जो एक रिसर्च कर रही थी जिससे फिजिकली चैलेंज लोगों का ट्रीटमेंट हो सकता था। वो टोनी को बताती है कि इंसानों के अंग भी पेड़ पौधों की पत्तियों की तरह दोबारा उग सकते हैं। इस रिसर्च का नाम एक्सट्रीमिस्ट होता है। इसमें माया को टोनी की कुछ हेल्प चाहिए थी, तभी यहाँ एक साइंटिस्ट इनसे मिलता है जो कि खुद भी एक फिजिकली चैलेंज्ड व्यक्ति था। वो बताता है कि कुछ इन्वेस्टर्स की मदद से उसने एक टीम बनाई है जिसका नाम एडवांस्ड आइडिया मशीन, यानी कि शॉर्ट में एम है। वो इनसे हेल्प चाहता था, पर टोनी उसकी बातों को इग्नोर करता है और उसे झूठी तसल्ली देकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद टोनी और माया रूम में आ जाते हैं और किलियन छत पर इंतजार करता ही रह जाता है, जिसकी वजह से वो टोनी से बहुत ज़्यादा नाराज़ होता है। और टोनी माया के साथ भी फ्लर्ट करके वहाँ से चला जाता है, जिसकी वजह से माया भी टोनी पर बहुत गुस्सा होती है। और अब मूवी प्रेजेंट में आती है, जहाँ टोनी अब अपनी मौज मस्ती और न्यू ईयर पार्टी के वक्त को भूल चुका है और अब वो अपने सूट में काफ़ी ज़्यादा सुधार करके उन्हें काफ़ी एडवांस बनाने में बिजी हो चुका है। उसने काफ़ी सारे आर्मर्स भी बना रखे हैं, लेकिन अब उसे न्यूयॉर्क में चित्तौड़ी आर्मी से लड़ाई के बाद काफ़ी ज़्यादा और बार बार घबराहट होने लगी थी, उसे काफ़ी दौरे पड़ने लगी थी। दूसरी तरफ किलियन, जो टोनी से न्यू ईयर पार्टी में हेल्प चाहता था, वो अब टोनी का दुश्मन बन चुका था। वो पहले एक साथ काम करते थे और किलियन एक फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन था। वो पेपर से कहता है कि उनकी टीम एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही है जिसमें हम इंसान के डीएनए में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, और वो पेपर को ये सब कुछ करके भी दिखाता है। वो बताता है कि मैंने टोनी से हेल्प मांगी थी पर उसने नहीं की, लेकिन कोई बात नहीं, तुम मेरी मदद कर सकती हो क्योंकि तुम उसकी कंपनी की सीईओ हो। पर पेपर मना कर देती है, वो कहती है कि तुम सुपर सोल्जर बनाना चाहते हो, मुझे ऐसा ही लगता है, इसलिए मैं और टोनी इसमें तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर पाएंगे। अब हम टोनी के बॉडीगार्ड को देखते हैं जो पेपर के साथ आया था। वो किलियन के बॉडीगार्ड को कुछ खिलाते हुए देखता है, जिसके बाद वो आदमी पूरा ज्वालामुखी की तरह लाल हो जाता है और फिर खुद ही ब्लास्ट हो जाता है, जिसमें टोनी का बॉडीगार्ड भी काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो जाता है। लेकिन फिर भी वो एक अजीब बात नोटिस कर लेता है, किलियन का बॉडीगार्ड भी इंजर्ड होता है और उसका पूरा शरीर लाल हो जाता है, और थोड़ी सी देर के बाद वो नॉर्मल होकर वहाँ से चला जाता है। अब टोनी को पता चलता है कि उसका दोस्त हैप्पी घायल होकर कोमा में पहुंच गया है, इसकी वजह एक आतंकवादी मैंड्रिन है। तो टोनी को बहुत गुस्सा आता है, इसलिए वो जल्दबाजी और जोश में आकर मैंड्रिन को धमकी दे डालता है। अब माया हैंसन टोनी के घर जाती है, अभी इनकी ठीक से बातचीत शुरू भी नहीं हुई थी कि तभी टोनी के घर पर अटैक होता है। वो पेपर को अपना सूट देकर वहाँ से माया को भी साथ लेकर निकलने को कह देता है। जब वो दोनों सेफ होते हैं तो टोनी अपने सूट के साथ जैसे तैसे वहाँ से निकल जाता है। अब वो रोज हिल नाम के एक रूरल एरिया में पहुंच जाता है, जहां पर वो जगह बहुत ही ज़्यादा ठंडी होती है, लेकिन उसके सूट की पावर वहां पे ख़त्म हो जाती है क्योंकि वो ऑटो पायलट मोड पर था। अब टोनी वहां इसलिए पहुंचा था क्योंकि अपने घर पर अटैक होने से पहले वो मैंड्रिन द्वारा किए जाने वाले अटैक्स के बारे में सर्च कर रहा था, जिसमें उसका बॉडीगार्ड हैप्पी भी घायल हुआ था। अब टोनी के सूट की पावर ख़त्म हो जाने की वजह से वो वापस न्यूयॉर्क नहीं लौट पाता। अब टोनी अपने सूट को घसीट कर एक जगह पहुंचता है, जहां वो एक छोटे बच्चे जिसका नाम हार्ली किनर है उससे मिलता है। वो बच्चा भी उसे देखकर ही समझ जाता है कि ये आयरन मैन ही है। अब हार्ली उसे एक न्यूज़पेपर थमा देता है जिसमें टोनी की मौत की खबर छपी थी। अब वो यहाँ अपनी रिसर्च को आगे बढ़ाता और देखता है कि ये धमाके वैसे ही हैं जैसे धमाके में हैप्पी घायल हुआ था, और गवर्नमेंट को इस बारे में कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था। पर टोनी को यहाँ ये पता चलता है कि मैंड्रिन के साथ एलरिच किलियन भी मिला हुआ है। अब वो मैंड्रिन की लोकेशन को ट्रैक करके मियामी पहुंच जाता है और वो मैंड्रिन को पकड़ लेता है। कुछ बातचीत करने के बाद टोनी को पता चलता है कि ये एलरिच की एक कठपुतली है जो सिर्फ एक नाटक करता है, और एलरिच जो एक्सट्रीमिस्ट की रिसर्च कर रहा था जिसमें लोग बम के जैसे ब्लास्ट होते थे, तो इसलिए उसने सरकार से बचने के लिए सारा खेल रचा था ताकि किलियन पर किसी का भी ध्यान ना जाए और वो अपना काम चुपचाप करता रहे। टोनी समझ जाता है कि इसका मास्टरमाइंड किलियन ही है। अब वो बेहोश हो जाता है और जब उसकी आँख खुलती है तो वो एक कैद में होता है और उसकी एक्स गर्लफ्रेंड माया हैंसन उसके सामने होती है। जब टोनी को पता चलता है कि माया और किलियन पिछले 13 सालों से एक साथ काम कर रहे हैं, तो अब टोनी माया से कहता है कि तुम्हारे एक्सट्रीमिस्ट में बहुत सी कमियां हैं जिसकी वजह से लोग मर रहे हैं,
जितना मैं तुम्हें जानता हूँ तुम तो ऐसी नहीं थी, तुम लोगों की हेल्प करना चाहती थी और अब देखो कि तुम क्या बन गई हो। टोनी की बातों का माया पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, पर पेपर को बचाने के लिए उसे किलियन की बात माननी ही पड़ेगी और इससे किलियन को भी एक्सट्रीमिस में इम्प्रूवमेंट की जो उसकी विश है वो पूरी हो जाएगी, जिससे वो और भी ज़्यादा सुपर सोल्जर्स बना लेगा। अब माया को अपनी गलतियों का एहसास होने लगता है और वो किलियन के अगेंस्ट हो जाती है। वो कहती है कि अगर तुमने ये सब कुछ अभी के अभी बंद नहीं किया तो मैं खुद को मार दूंगी और तुम्हारी रिसर्च अधूरी रह जाएगी। पर किलियन पर इसका कुछ भी असर नहीं होता और वो उल्टा उसे ही सूट कर देता है। अब किलियन आयरन मैन के दोस्त के पास जाता है जिसके पास आयरन मैन का पुराना सूट था। वो जेम्स से सूट लेने के लिए उसे टॉर्चर करता है और जिसकी वजह से जेम्स अब बाहर आ जाता है और एल्ड्रिज को वो सूट मिल जाता है। अब टोनी को हमें दिखाते हैं जिसने हार्ली के घर पर अपना सूट अब चार्ज कर लिया था और अब वो अपने सूट के एक हाथ को बुला लेता है और खुद को उस कैद से छुड़ा लेता है। इसके बाद वो सूट के बाकी हिस्सों को भी बुला लेता है और तभी उसे जेम्स का सूट उड़ते हुए दिखाई देता है। तो वो जेम्स से पूछता है कि सूट में तुम ही हो ना, पर वो बताता है कि नहीं, उसमें एल्ड्रिच है। अब टोनी और जेम्स आपस में बात करते हैं और टोनी को पता चलता है कि किलियन यूएस के प्रेसिडेंट को मारना चाहता है। अब एल्ड्रिच प्रेसिडेंट के सामने पहुंचता है और वहां प्रेसिडेंट को लगता है कि सूट में जेम्स ही है जो प्रेसिडेंट की सेफ्टी के लिए उनके साथ जाएगा। पर थोड़ी देर में इनको पता चल जाता है कि इसमें जेम्स नहीं बल्कि किलियन का ही एक वफादार आदमी है जिसने हैप्पी को भी घायल किया था। अब आयरन मैन जब यहाँ पहुँचता है और वो किलियन के आदमी को मार देता है और प्लेन से गिरते हुए बाकी के लोगों को भी वो सेव करके बचा लेता है, पर वो प्रेसिडेंट को नहीं बचा पाता। अब किलियन प्रेसिडेंट को बताता है कि आप रॉक्सन नॉर्को में हैं और वो बताता है कि हम तुम्हें यहाँ लाइव मारेंगे, क्योंकि किलियन ने वाइस प्रेसिडेंट से एक डील की थी जिसमें उनको धमकी दी गई थी कि अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो तुम्हारी बेटी को मार दिया जाएगा लेता है। अब जेम्स और टोनी यहाँ पहुँचते हैं जहाँ पेपर और प्रेसिडेंट बंदी बने होते हैं। ये दोनों डिसाइड करते हैं कि जेम्स प्रेसिडेंट को बचाएगा और टोनी स्टार पेपर पॉट को बचाएगा। और टोनी अब यहाँ पर अपनी आर्मी को बुला लेता है और उन्हें ऑर्डर देता है कि इन सबको ख़त्म कर दो। और अब जेम्स प्रेसिडेंट को जिन्हें एक ऑयल के बहुत बड़े कंटेनर के ऊपर बांधा गया था और उन्हें जलाकर मारने का एल्ड्रिज का प्लान था उसको बचा लेता है, पर कंटेनर में ब्लास्ट होने की वजह से पेपर पॉट वहाँ पर फंस जाती है। टोनी उसे बचाने की पूरी कोशिश करता है, इधर पेपर आग में गिर जाती है और टोनी उसे बचा नहीं पाता जिसका उसे बहुत ही ज़्यादा दुख होता है, बहुत ही बुरी तरीके से हमला करता है। अब इन दोनों में बहुत ही ज़्यादा डेंजरस फाइट होती है। किलियन के सामने अपने सूट के साथ भी आयरन मैन कमज़ोर पड़ता जाता है, पर सडनली वहाँ पे पेपर पॉट आ जाती है और वो एल्ड्रिच किलियन को मार डालती है क्योंकि उसकी बॉडी में भी एक्सट्रीमिस्ट था जिसकी वजह से वो आग में गिरकर भी नहीं जली थी। अब टोनी उसे गले लगाता है और अपनी सभी आर्मर्स को पेपर के सामने ही ब्लास्ट कर देता है क्योंकि पेपर को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट और उस नौटंकीबाज मैंड्रिन को अरेस्ट कर लिया जाता है और टोनी अपना और पेपर का ट्रीटमेंट करवाता है जिसके बाद उसे अपने सीने में लगे आर्क रिएक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती और वो उसे ले जाकर समंदर में फेंक देता है क्योंकि उसके बाद भी वो आखिर आयरन मैन ही होता है। और इसी के साथ हमारी ये मूवी यहाँ पर ख़त्म होती है। तो अगर आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और मिलते हैं ऐसी ही अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।